हेलो फ्रेंड्स, निरंकारी वीडियो चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग इस प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे हैं कि हाउ टू ऑब्टेन 70/70 इन फिजिक्स। तो इस वीडियो लिंक में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के सेकंड पोर्शन के बारे में बात करेंगे। आवेशों, विद्युत आवेशों के मूलभूत गुण, विद्युत आवेशों के मूल भूत गुण, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेज। तो दोस्तों, आवेशों में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण होता है। आवेशों में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण का गुण होता है। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर आप प्लस आवेश के पास प्लस आवेश ले आओ तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, तुरटेंगे। प्लस के पास अगर माइनस आवेश ले आओ तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, खींचेंगे। तो यहाँ पे प्रतिकर्षण का बल काम करेगा और प्लस और माइनस के बीच में आकर्षण यानी रिपल्जन फोर्स काम करेगा और विपरीत आवेशों के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स काम करेगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी होती है वो होता है आवेश का संरक्षण। आवेश का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो किसी विलगित निकाय में कुल आवेश, किसी विलगित निकाय का कुल आवेश संरक्षित रहता है। अतः आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। तीसरी प्रॉपर्टी है विद्युत आवेशों की योज्यता। विद्युत आवेशों की योज्यता एडिटिविटी ऑफ चार्जेज, एडिटिविटी ऑफ चार्जेज। किसी निकाय का कुल विद्युत आवेश, किसी निकाय का कुल विद्युतीय आवेश निकाय में उपस्थित
सभी आवेशों के बीज गणितीय योग के बराबर होता है, या सिग्मा क्यू इक्वल टू क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री प्लस प्लस क्यू एन होता है। अगली प्रॉपर्टी आवेश पे वेग का प्रभाव। आवेश पर वेग का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज, इफेक्ट ऑफ वेलोसिटी ऑन चार्ज। तो किसी वस्तु पर आवेश उसके वेग पर निर्भर नहीं करता, आवेश वेग पर निर्भर नहीं करता। अगली प्रॉपर्टी आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। किसी आवेशित वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का गुणक होता है, क्योंकि सबसे छोटा ज्ञात आवेश अभी तक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, इसलिए Q इक्वल टू एन ई या नियम आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। आवेश का क्वांटीकरण कहा जाता है। सन नॉट पॉइंट सन 1964 में गैल मान ने इलेक्ट्रॉन के आवेश से भी छोटे आवेश होने का दावा किया। इन आवेशित कणों को क्वार्क कहा, जिन पर आवेश जो होता है प्लस माइनस ए बाई थ्री और प्लस माइनस 2e/3। तो दोस्तों, इस टॉपिक में एक क्वेश्चन पूछता है, आवेश की मात्रा दे देता है और पूछता है कि उस धातु पे सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम हैं या अधिक हैं। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, q इक्वल टू क्या है, ne है,
तो एम इक्वल टू क्यू बाई ए फार्मूले का हम यूटिलाइजेशन करके हम ये निकाल लेते हैं कि उस पे सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं या कम है। अब आपकी जो विधि आती है आवेशन की विधियाँ, आवेशन की विधियाँ, तो दोस्तों अगले वीडियो लिंक में हम लोग किस तरह से पदार्थों को आवेशित किया जा सकता है यह प्रोसीजर हम लोग देखेंगे। आप मेरे अगले वीडियो लिंक की प्रतीक्षा करें। धन्यवाद।